ऑल राइट, तो फ्लिपकार्ट और अमेजन की सेल में बेस्ट RTX 3060 के लैपटॉप कौन से हैं वो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। वैसे इंडिया में RTX 3060 के 81 लैपटॉप लिस्टेड है फ्लिपकार्ट पर और करीब 100 प्लस लैपटॉप है अमेजन पर, लेकिन रियलिटी में ओनली 20% लैपटॉप ही हैं जो लेने लायक है और उनकी एक्चुअल सेल प्राइस भी रिवील हो गई है और डिस्काउंट हमारी एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा है। तो आइए देखते हैं हमारे पास क्या है। सबसे पहला और मोस्ट अफोर्डेबल RTX 3060 का लैपटॉप है MSI GF65 Thin। ये i5 और i7 10th Gen CPU के साथ आता है और 74K में वन ऑफ द बेस्ट लैपटॉप है इन टर्म्स ऑफ गेमिंग। फिर भी इस लैपटॉप के स्ट्रेंथ और वीकनेस को जरूर रीड कर लेना। अगर आपको एकदम बॉर्डर का लैपटॉप नहीं लेना तो आप ले सकते हो MSI का GF66 Katana। इसमें i7 11th Gen CPU और RTX 3060 है जिसकी TGP है 85W। इसी का एक डुप्लीकेट लैपटॉप आता है जिसका नाम है MSI Pulse GL66। उसमें आपको कलर एक्यूरेट डिस्प्ले मिल जाती है, बाकी प्राइसिंग दोनों लैपटॉप की बिल्कुल सही है। अफोर्डेबल लैपटॉप की रेस में थर्ड नंबर पर आता है एसर का नाइट्रो 5, जिसमें हमको Ryzen 7 5800H CPU मिलता है। बजट लैपटॉप में नाइट्रो 5 एक बहुत ही पॉपुलर नाम है, हर सेल में इसमें ऑफर्स आते ही हैं, लेकिन आई थिंक अब की बार सेल में इसकी प्राइस थोड़ी और कम होने वाली है। नंबर 4 पर है एसर प्रेडेटर हेलियोस 300। इसमें हमको i7-10870H ऑक्टाकोर CPU और RTX 3060 मिलता है जिसकी TGP है 100W। स्क्रीन भी एकदम कलर एक्यूरेट है यहाँ पर और 92 के प्राइसिंग में थर्मली सबसे स्ट्रॉन्ग लैपटॉप भी यही है। नंबर 5 पर है Asus TUF Gaming A15 2021 वाला एडिशन। 1 लाख से कम में ये इकलौता लैपटॉप है जिसमें Ryzen 9 CPU है। एक बात और जान लो, इस लैपटॉप में 62% sRGB वाली डिस्प्ले है, ना कि 100, और लैपटॉप बस थर्मल्स में वीक है, बाकी और कोई कमी नहीं है। नंबर 6 पर है HP का Victus। 1 लाख के एग्जैक्ट प्राइसिंग में ये काफी सही लैपटॉप हो सकता है। अब मैंने इस लैपटॉप को रिव्यू भी किया और आपका ओपिनियन भी सुना है। ऐसे में कुछ बंदों को ये पसंद आता है तो कुछ को बिल्कुल नहीं आता। वैसे हम सब जानते हैं कि थोड़ी बहुत वॉबलिंग के अलावा इस लैपटॉप में और कोई कमी नहीं है। एक बात और, इस लैपटॉप में भी 100% sRGB की डिस्प्ले है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो सकता है इसको लेने का। नेक्स्ट लैपटॉप है लिनोवो का IdeaPad Gaming 3। इसके स्पेक्स है Ryzen 7 और RTX 3060 जिसकी TGP है 90W। इस पर्टिकुलर मॉडल में 165Hz का पैनल आता है जो कि कलर एक्यूरेट है और बाकी सारे स्पेक्स तो बिल्कुल आइडेंटिकल है, लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ कि लिनोवो IdeaPad HP Victus से बेटर लैपटॉप है। फिर भी अगर आपको Acer, HP, लिनोवो तीनों नहीं लेने तो आप ले सकते हो Dell का G15। इस लैपटॉप में 165Hz का पैनल है जो कि कलर एक्यूरेट है, साथ ही इसमें मक स्विच का ऑप्शन भी मिलता है जो कि रीबूट रिक्वायर करता है, इसलिए ये फीचर इतना प्रैक्टिकल नहीं है। हाँ, तो नंबर 9 पर है MSI का Corsair 15। अब ये थोड़ा खास है क्योंकि i7 12th Gen का सबसे अफोर्डेबल लैपटॉप भी यही है। हाँ, देखने में थोड़ा फंकी लगता है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। साथ ही अभी तक का पहला लैपटॉप है जिसमें RTX 3060 अपनी मैक्सिमम लिमिट पर है, तो अगर आपको स्पेक्स एकदम टॉप लेवल की चाहिए तो इससे अफोर्डेबल लैपटॉप नहीं है इंडिया में, और मुझे लगता है कि सेल में इसकी प्राइस थोड़ी और कम हो सकती है। जरा ध्यान देना, फ्लिपकार्ट पर इसकी प्राइस है 1,06,000 रुपए, लेकिन यहाँ पर एक गलती है। टाइटल में लिखा है 144, लेकिन हाईलाइट में 240Hz को मेंशन किया है। इसका एक और वेरिएंट है जिसमें 144Hz लिखा है टाइटल में, लेकिन डिस्क्रिप्शन में लिखा है 165। तो करेक्शन के लिए मैं MSI के ऑफिशियल वेबसाइट पे गया, वहाँ पर इसके टोटल 5 लैपटॉप लिस्टेड है और यहाँ से पता चलता है कि लैपटॉप 165 और 240Hz में ही आता है। 165Hz वाला 2K पैनल है और 240Hz वाला 1080p पैनल है। वैसे हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो भी 1,06,000 वाला लैपटॉप ही ओपन होता है। तो कुल मिला के लैपटॉप बिल्कुल लेजिट है, लेकिन टाइटल में बस गलत लिखा है। अगर आप थोड़ी बहुत परफॉर्मेंस को लूज कर सकते हो, लेकिन ओवरऑल लैपटॉप में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, तो ऐसे में आप Lenovo Legion 5 और Legion 5 Pro को कंसिडर कर सकते हो। ये दोनों लैपटॉप मक स्विच को सपोर्ट करते हैं विदाउट रीबूट और थर्मल भी एकदम टॉप लेवल के हैं। हाँ, तो Legion 5 Pro की प्राइसिंग 120K तक ड्रॉप हो गई है और इतना सस्ता है लैपटॉप आज से पहले कभी नहीं हुआ। साथ ही बैंक ऑफर में इसको आप और भी कम में ले सकते हो। एक बात मैं आपको बता दूं, इस लैपटॉप के स्टॉक बहुत ही कम है, अप्रोक्स 20 से 25 यूनिट है, इसलिए लेने का मन होना तो ज्यादा वेट मत करना। नंबर 11 पर टोटल 4 लैपटॉप है और ये चारों न्यू जेन CPUs के साथ आते हैं, जिनमें से Acer और Asus तो कम्प्लीट रीडिजाइंड लैपटॉप है। अगर इन पर अच्छा डिस्काउंट मिला तो ही इनको लेना मैं रिकमेंड करूंगा। हाँ, तो अब हम कैटेगरी वाइज बात करते हैं। अगर आपको RTX 3060 का सबसे पावरफुल लैपटॉप चाहिए तो आप लेना Acer Predator Helios 300 को, जिसमें i9 12th Gen CPU और RTX 3060 140W पर है। 1,30,000 की प्राइसिंग में इससे पावरफुल RTX 3060 का लैपटॉप नहीं है। अगर आप प्रोडक्टिविटी, 3D एनिमेशन या गेमिंग के लिए ऑलराउंडर लैपटॉप चाहते हो तो यही लेना। CPUs की रैंकिंग में भी i9 को जो ये CPU है ना, वो एकदम टॉप पर आता है। अगर आपको लेना एक Intel 12th Gen का लैपटॉप ही है, लेकिन आपके पास 1,30,000 तक का बजट नहीं है, तो आप ले सकते हो MSI का Corsair 15। अगर आप ये
हाई एंड स्पेक्स वाले लैपटॉप नहीं लेना चाहते तो आप कंसिडर कर सकते हो लीजन 5 और लीजन 5 प्रो को। ये दोनों लैपटॉप नो कॉम्प्रोमाइज ऑलराउंडर लैपटॉप में आते हैं। हर बंदे का लैपटॉप लेने का बजट अलग अलग होता है, इसलिए RTX 3060 की ऑप्टिमम वैल्यू क्या है उसको भी देख लेते हैं। तो इतनी रिसर्च के बाद मिनिमम वैल्यू निकलती है 70,000 और मैक्सिमम वैल्यू है 130,000। ऐसा कोई भी RTX 3060 का लैपटॉप जिसकी प्राइस 130 के ऊपर है उसको आप साफ इग्नोर कर देना। लेकिन फिर भी अगर आपका बजट 130 के ऊपर है तो RTX 3070 के लैपटॉप पर फोकस करो इंस्टेड ऑफ RTX 3060। यही रीजन है कि मैंने इस वीडियो में ROG Strix के लैपटॉप को काउंट नहीं किया, क्योंकि उनकी प्राइस थोड़ी ज्यादा है और मनी की वैल्यू कम है। तो फिर से रिवाइज कर देता हूँ, ऑप्टिमम प्राइस रेंज है 70,000 से 130,000। जो भी RTX 3060 का लैपटॉप लो, कोशिश करो वो इसके अंदर ही हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने सारे लैपटॉप प्राइसिंग के साथ नोट डाउन कर दिए हैं। अगर आप RTX 3060 का लैपटॉप लेना चाहते हो तो यहीं से अपनी रिसर्च को शुरू कर सकते हो। और अब मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में, जहां हम बात करेंगे RTX 3050 की।